ओके हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सिंग चैनल पर विद अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो और वेरी यूजफुल वीडियो अबाउट ऑफ राजस्थान सीएचओ कैंडिडेट्स। ओके, तो इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल कट ऑफ एंड फाइनल डेट कि आपकी मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी। और इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ बात करेंगे। अभी आपकी लाइन वाइज में कट ऑफ बताऊँगा भाई कितनी कितनी कट ऑफ गई है, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये जरूर बताऊँगा कि ये परमानेंट होगी या नहीं होगी वैकेंसी राजस्थान सीएचओ की। इसके अलावा इसमें आपको मैं बताऊँगा कि इसमें आपकी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी ड्यूरिंग सिक्स मंथ, विथ प्रूफ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। इसी के बीच में आपको काफ़ी चीज़ें पकड़नी होगी राजस्थान सीएचओ से रिलेटेड, जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया या जिसने नहीं करवाया। देखिए, मैंने लगभग टीम बनाई थी, अपने 5-6 जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो 2-3 जिलों में मैंने जो है एनालिसिस किया है, और दो से तीन जिलों में एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि 15,620 स्टूडेंट को बुलाया गया था, तो उसमें से ओनली फॉर 12,496 या फिर आप मान लीजिए 12,500 स्टूडेंट्स ने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। ठीक है, काफ़ी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एनालिसिस किया है मैंने सीएचओ कट के लिए, तीन जिलों का एनालिसिस किया है, और 1100 कैंडिडेट्स के मैंने आंकड़े लिए हैं, और उस अकॉर्डिंग मैं आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। पूरा एनालिसिस मैंने इस रजिस्टर में जो है लिख रखा है, आप देख सकते हो A to Z मैंने पूरी जानकारी लिखी है। तो वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होने वाली है। देखिए, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब आपका प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई थी, तो जैसे मैंने वो उसके ऊपर कट ऑफ बनाई थी प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर, तो आई थिंक मेरी कट ऑफ बिल्कुल एडजस्ट सही बैठी है वो आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट में गई है। तो लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि कोई परसेंट नहीं दिए, ओनली फॉर रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट निकाली गवर्नमेंट ने, बट कोई ना, चलो इसकी बात कर लेते हैं। एक और मैं फाइनल आपके लिए लेके आ गया हूँ कट ऑफ की बात, और पूरी वीडियो देखेंगे। इसके लिए पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए, आपको हर जानकारी चाहिए वैकेंसी की अपडेट, नर्सिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन, नर्सिंग न्यूज़, नर्सिंग प्रोफेशन अपडेट, तो आप हमारा ज्वाइन टेलीग्राम कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम आप सभी को याद है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। जो नया कैंडिडेट है उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, तो चलिए बात करेंगे। देखिए, फाइनल डेट और फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, तो फाइनल डेट कब है इसकी मेरिट लिस्ट की, तो वीडियो के एंड में ही बताऊंगा, क्योंकि ये सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए, वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए। इसके अलावा मैं बताऊंगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगभग मैंने 3 जिलों में एनालिसिस किया है, तो मुझे पता चला है कि लगभग 15,620 बच्चों को जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो उसमें से 12,496 ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं। अब देखिए, इसका मसला मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एवरी लिस्ट में से जो है 50-50 कैंडिडेट्स को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे थे, तो उसमें से लगभग 400 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया एवरी पारी में। या अगर हम आंकड़ा निकालें तो 400 स्टूडेंट ऐसे आप मान के चल सकते हो जिन्होंने जो है वेरिफिकेशन नहीं करवाया एवरी पारी में। तो जॉब और कैंडिडेट्स जिनकी जॉब और लगी हुई है एम्स में या अदर कई जॉब में, बीआर में या स्टाफ नर्स में समझा पे, तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या हम निकालते हैं 600। तो टोटल दोस्तों आप मान के चलोगे, एक सेकंड में इसका नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाएगा इसको। ओके, तो 400 और 600 कैंडिडेट हम ऐसे मान के चलेंगे, तो लगभग हो गए दोस्तों 1000 स्टूडेंट। एंड 1000 स्टूडेंट आप ऐसे मान सकते हो जिनका एम्स में जो है सिलेक्शन हो गया है, वो वेट कर रहे हैं। हालांकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए। तो देखिए, ये सब फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे आपकी कट ऑफ को। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं मैं बता देता हूँ। आपकी अटेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। अगर आप अटेंडेंस नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो इसका अफेक्ट आपकी कट ऑफ पर पड़ने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं गए करवाने, तो उसकी भी कट ऑफ आपकी लाइसेंस सीएचओ की जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस पर जो है डिपेंड करेगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, जिस जिसके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सस्पेंड हो रहे हैं या फिर गलती हो रही है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इफेक्ट करने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अफेक्ट करने वाला है, मूल निवासी आपका अफेक्ट करने वाला है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट करेगी लाइसेंस सीएचओ में ज्वाइनिंग के कट ऑफ के लेकर। चलिए, इसमें आज चलते हैं बात इंपॉर्टेंट रोल, तो आप जानते हो इसी अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। एनालिसिस किया मैंने राजस्थान सीएचओ कट ऑफ का, 3 डिस्ट्रिक्ट में 1100 कैंडिडेट लगभग हमसे जुड़े हैं, और उनके आधार पर हमने जो है ये मेरिट लिस्ट निकाली है। तो चलिए करें स्टार्ट फाइनल में सीएचओ कट ऑफ राजस्थान की।
तो तैयार हो जाइए आप सब, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस अनदर अपडेट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ग्रुप है, वो मैं लगातार नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट आपको वहाँ से देता रहता हूँ। व्हाट्सअप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा व्हाट्सअप ग्रुप बनाया मैंने, पहला फुल हो चुका है। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं बता देता हूँ आपको, आपकी ट्रेनिंग पर है ना, आपको कहाँ पर होने वाली है, एएनएम सेंटर पर होने वाली है आपकी, राजस्थान के जो जो एएनएम सेंटर है। इसके अलावा अगर कुछ कॉलेजेस ने अगर एप्लीकेशन लिख दी जो राजस्थान शिशु ने भेजा था फॉर्मेट बना के कि आप हमें बताइए आप अगर हमारे बंदों को ट्रेनिंग करवा सकते हो, तो कुछ कॉलेज ने अगर एप्लीकेशन लिख दी एनएचएम को तो वो अलग बात है, लेकिन लगातार आपकी एएनएम सेंटर पर ही होने वाली है वैकेंसी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सॉरी आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की। तो चलिए हम बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। तो ये दोस्तों ये आ गई आपके सामने जनरल कट ऑफ 75। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो दोस्तों जनरल की बात करेंगे मेल की कैंडिडेट की। इसमें मेरिट लिस्ट होने वाली है 75। अब आप बोलोगे यार ये तो कम भी है आपको, बहुत सारा लोग ज़्यादा भी आपको लगने वाली है। दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाली है कितनी, ओबीसी की 75। तो आई थिंक मेरे साथ इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी इसमें फैक्टर आपके डिपेंड करने वाला मैंने बता दिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स एम्स आपका में जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे तो जा ही नहीं रहे, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि जिनका प्रोविजनल में सिलेक्शन हो गया है लिस्ट में, तो वो तो लगभग लगभग जैसे 70-80% का सिलेक्शन जो है हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसकी डेट मैं बता दूँगा आपको अभी। तो इसमें जनरल कैटेगरी की देखिए होने वाली है 75% आपके जाएगी, ठीक है ना, 75 या 76 आप मान सकते हो। मैंने 75 एवरेज निकाला है, क्योंकि हमारी टीम हमारे कुछ स्टाफ है नर्सिंग ऑफिसर से, तो उन्होंने उनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ निकाली है। तो शायद आप बिल्कुल इसको कंफर्म तो मत मानिए, लेकिन मान सकते हो और निराश ना हो, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ आपकी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फीमेल की बात करेंगे। ये लो दोस्तों जनरल फीमेल में आ गई है 72 से 73। जी हाँ दोस्तों जनरल की आपकी आ गई है 72 से 73 आपकी रहने वाली है फीमेल की। ओके, तो सबसे ज़्यादा जानते हो आप जनरल की ही मेल फीमेल की जाती है। इसके पास दूसरे नंबर पर आती है ओबीसी, जिसकी आई जाती है। हालांकि ईडब्ल्यूएस की भी आजकल ओबीसी की लेवल की ही मानी जाती है, या फिर आप मान सकते हो ओबीसी से थोड़ी नीची। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ज़्यादातर वही लोग बनाते हैं जिनको जो जनरल में गिने जाते हैं। ओके, जनरल वाले ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते हैं, और उनको आई थिंक आपको याद होगा कि स्टेट में 10% का आरक्षण मिलता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। चलिए तो मेल सॉरी ये तो फीमेल की, हाँ फीमेल की आ गई 72 से 73 आपकी जाने वाली है, ठीक है ना जनरल में। तो ओबीसी की बात करेंगे, चलिए ओबीसी कैटेगरी आपके सामने आ गई है खुल के, और ये इसकी वे बिल्कुल कट ऑफ जा रही है 72। जी हाँ दोस्तों ओबीसी में तो भाई साहब आप ये मानिए अगर 70 के ऊपर ही आपके परसेंट है, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि 70 के ऊपर जाने पर ही आप अपना सिलेक्शन मांगने, नहीं तो आप लॉन्ग वेटिंग लिस्ट में जा सकते हो। नसन सीएचओ की वेटिंग लिस्ट उन्हीं में से निकलेगी, 15,000 आपके जो भी स्टूडेंट है 620 जो वेरीफिकेशन के लिए बुलाए हैं, तो उनमें से जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो 72 या फिर 71 इसकी रह सकती है ओबीसी की, मैंने 72 एवरेज निकाल के आपको बता दिए। चलो फीमेल की बात करते हैं कैटेगरी की, तो फीमेल की बात करेंगे दोस्तों, ये लो दोस्तों आ गई बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है 69 से 70% आपकी ओबीसी कैटेगरी की फीमेल की रह सकती है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल एडजस्ट आप इसको मान के चल सकते हो, मात्र अंश भर इसका जो है अंतर रहेगा, क्योंकि मैंने प्रोविजन लिस्ट में जो निकाली थी मेरी लिस्ट, तो आई थिंक उसका जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें लगभग आई थिंक एस सी एस टी में थोड़ा सा अंतर हो रहा था, बाकी बिल्कुल हमारी सब जो है कट ऑफ मैच थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी आ गई आपके सामने। जी हाँ दोस्तों एस सी शेड्यूल कास्ट कैसे कैटेगरी फुल फॉर्म होती है, तो आप देख सकते हो मेल की सिमसम सिंपल इसमें जा रही है 63 से 67% के बीच में आपकी पक्का रह सकती है, 66 आप एवरेज मान के चल सकते हो एस सी का मेल का। ओके, शेड्यूल कास्ट की ये चलिए बात करेंगे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फीमेल की बात करने वाले हैं हम इसमें वैकेंसी में। तो देखिए बात करेंगे इसमें 63 से 65% जा रही है शेड्यूल कास्ट की। जी हाँ दोस्तों फिक्स है बिल्कुल 66 आप एवरेज मान के चलिए इसका, ठीक है, इसमें कितना माना था अपने 66,
ठीक है, इसमें 64 इसमें आप एवरेज मान के चल सकते हो एससी का फीमेल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये लो जीएसटी की आ गई आपके सामने, बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब की भी आपके सामने कट ऑफ आ गई है। राजस्थान सीएचओ की मेल कैंडिडेट की 63% इसमें जा रही है। फीमेल की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट ट्राइब एसटी फीमेल की बात करेंगे दोस्तों, 62 से 63% आपकी इसमें बिल्कुल कट ऑफ जा रही है। देखिए बिल्कुल फाइनल मान के ही चले, हालांकि फाइनल नहीं है लेकिन आप इसके आधार पर अपना अनुमान लगा सकते हो। यार डॉक्यूमेंट्स थोड़ा आप बिल्कुल लीगली करो ना, और अच्छी तरह वेरीफाई करो आप डॉक्यूमेंट्स में, आपकी इतनी सारी गलती हो, ये पता नहीं क्या दिक्कत आती है। मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई राजस्थान सीएचओ के ऊपर, फिर भी आपको पता नहीं कुछ दिक्कत आ ही जाती है। चलो ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आ गई है ईडब्ल्यूएस। अब देखिए बहुत सारे अपने राजस्थान सीएचओ हमारे कम्युनिटी है तो फिर ऐसे बंदो भाई, उनको ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म याद नहीं है। एमबीसी बताइए, आप फुल फॉर्म बताइए एमबीसी की, एमबीसी की याद नहीं, एमबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बस जानते हैं भाई एमबीसी होती है कास्ट एक, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं ईडब्ल्यूएस को, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है जनरल जीके के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस की जा रही है आपकी परसेंटेज 68% आपकी बिल्कुल जा रही है, हालांकि 69 से 71 EWS की बताई गई थी मुझे, लेकिन मैंने एक एवरेज निकाला है आपके लिए 68 EWS की जा सकती है। आप 69 मान सकते हो लेकिन मैंने एवरेज 68 निकाला है। EWS में फीमेल की ही बात करें हम तो दोस्तों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS में फीमेल की कट ऑफ जा रही है 61। ओके, फीमेल की जा रही है 61। अब आप सोचोगे कि यार सलीश आपने बताई है 68, सर आपने तो 68 बता दी है मेल की, ईडब्ल्यूएस की और फीमेल की, एक सर इतना अंतर कैसे सकता था? दोस्तों इतना अंतर ही रहेगा। बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारी महिला ऐसी है जिनके डॉक्यूमेंट में काफ़ी गलती हो रही है, विशेष कर से मूल निवासी में, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ है, लेडीज़ कैंडिडेट्स ऐसी है राजस्थान सीएचओ की जिनके मूल निवासी में काफ़ी गलती हो रही है, उनके हस्बैंड के नाम से बना हुआ है लेकिन मांगा गया है पिताजी के नाम से, तो काफ़ी सस्पेंडेड हो रहे हैं, और जो सस्पेंडेड हुआ है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, तो इससे ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। पूरी एनालिसिस किया है मैंने, पूरा एनालिसिस, और यूट्यूबर्स बस बता देते हैं हाँ भाई 65 ऐसे मेल की जा रही है, ना तो फीमेल की बताती है ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए एमबीसी की बात करेंगे, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस फुल फॉर्म होती है इसकी, बिल्कुल आप कट ऑफ के साथ साथ में तैयारी भी कीजिए अपनी, जनरल क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है, एमबीसी की फुल फॉर्म क्या यही आ सकता है, तो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे 65% इसमें जा रही है एमबीसी की, ठीक है ना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस आता है तो उसमें मेल की 65% जाती है, वो लगातार आप जान सकते हो 60 से 65% के बीच में ये एमबीसी की जाती है। तो बात करेंगे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एमबीसी फीमेल की, ये देखिए दोस्तों फीमेल की आपके सामने आ गई है 58% इसमें जा रही है एमबीसी की, और ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इतनी ज़्यादा नीचे गिरना कि उसके डॉक्यूमेंट्स में गलती काफ़ी हमें पकड़ी गई है। हमने जब सेंटर पे एनालिसिस किया, हमारे नर्सिंग स्टाफ हमारी सलीश नर्सिंग एकेडमी की टीम ने जब एनालिसिस किया तो काफ़ी पता चला कि मूल निवासी में कोई के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में, कोई के कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी गलती हो रही है, तो उनके जो है सस्पेंडेड किए जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है डिपेंड करती है। देखिए सस्पेंडेड इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो सरकार है गवर्नमेंट NHM है तो उनके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने हैं उसका क्राइटेरिया आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हर एक नर्सिंग एजेंसी की और न्यूज़ में लगातार आपको बिल्कुल क्लियरली इंसेंटिव दे रहा हूँ। चलिए बात करेंगे नीचे आगे, और हम 3000 कैंडिडेट्स आप मान के चल सकते हो जो रिमूव होने पक्के हैं, 100% कंफर्म आप 3000 स्टूडेंट मान के चल सकते हो। ओके, 15620 के लगभग आपके कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए, 3000 उसमें से हटा देते हैं तो 12620 बचते हैं, और वैकेंसी है 7000 के ऊपर, थोड़ी 7500 के ऊपर, तो दोस्तों लगभग इसमें वेटिंग जाएगी भी तो नो मान के चले आप 2 से 3 हज़ार की वेटिंग जा सकती है। इसके अलावा तो मैं कह रहा हूँ ना काफ़ी मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब प्रोविजनल में जिस जिसके नेम आए हैं। ओके दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए जिस जिसका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों आपके सामने आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CHO परमानेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो दोस्तों मैं बात करूँगा CHO परमानेंट फिलहाल तो नहीं है, विज्ञप्ति में जो अपनी राजस्थान सरकार NHM गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल से भी जो दोनों चीज़ें आदेश है, और सभी स्टेट में फिलहाल जम्मू कश्मीर को छोड़ के CHO परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कभी 3 साल की कभी 5 साल की, अपने राजस्थान CHO में आप जानते हो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। अभी त्रिपुरा में आई है, मैंने कल वीडियो बनाई आप देख लीजिएगा, उस पर 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है। ओके, इसके अलावा भी अपनी MP की भी आ गई है तो उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, बट
इसको परमानेंट कर सकते हैं आगे। आप कैसे करेंगे, डिपेंड ऑफ NHM। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है NHM के, क्योंकि NHM के अंडर में ही अलग अलग स्टेट में जो है ये वैकेंसी निकाली जा रही है CEO की, और डिपेंड करेगा ये अपने इंडियन के हेल्थ सिस्टम पे, क्योंकि इंडिया का हेल्थ सिस्टम अगर सुधरता है, ओके, अपनी जनता का हेल्थ सिस्टम सुधरता है और क्राइटेरिया थोड़ा नीचे आने लगेगा स्वास्थ्य का, यानी अभी ख़राब है तो ऊपर है, और जैसे ही अच्छा होगा तो नीचे आएगा, तो जैसे ही लेवल में आ जाएगा तो जो है इनको हटा सकते हैं। तो या फिर अगर क्राइटेरिया ख़राब ही रहता है वैसे, तो क्राइटेरिया अगर ख़राब रहेगा तो जो है इसको परमानेंट कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, देखिए ना। इसके अलावा NHM सोचेगा कि यार काफ़ी मतलब बड़ा देश है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, डॉक्टर की आप जानते हो कि संख्या मात्र बहुत ही कम है, बहुत कम डॉक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट में वैकेंसी भी निकलती है, तो मतलब 1500 वैकेंसी निकलती है, 800 डॉक्टर अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं ना यार उससे ज़्यादा सैलरी तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए NHM आई थिंक CHO एक बेटर उनको ऑप्शन मिल चुका है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के एज अ डॉक्टर उनको ड्यूटी दे रहे हैं PSC CSC पे। तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है अपने इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे। और मेरा देखो, मेरी राय मानो आप, मेरे अनुसार आंकड़े लो तो आई थिंक ये परमानेंट हो सकती है, क्योंकि इंडिया का हेल्थ सिस्टम काफ़ी बुरा है, जनसंख्या आप जानते हो कितनी ज़्यादा है, और अपना इंडिया भी काफ़ी बड़ा है, तो आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा इसको सुधरने में। तो NHM का देखो सीधी सी बात है, और अगर परमानेंट नहीं भी करते तो इसको रिन्यू कर दिया जाएगा, 5 साल बाद आपका एक और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, सिंपल सी बात है, जैसे अभी 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको परमानेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई CHO की परमानेंट की। देखिए अभी अभी कोई पक्का नहीं है, लेकिन आप परमानेंट ही मान के चले, काफ़ी अच्छी बात है। राजस्थान CHO राजस्थान, अगर राजस्थान वाले कैंडिडेट्स निवासियों को उनके जिले में ही उनके स्टेट में ही करने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी बात ये हो जाती है। CHO इंसेंटिव, दूसरे क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो CHO इंसेंटिव, देखिए CHO इंसेंटिव आई थिंक 25,000 आपको सैलरी मिलती है ना, तो 15,000 आपको इंसेंटिव दिया जाता है, किस आधार पर ज़्यादा आपको 15 रजिस्टर दिए जाएंगे, और उन रजिस्टर में आपको जो है पूरी डिटेल फिल करनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, और ये इंसेंटिव उसी के आधार पर मिलता है। अब बात करेंगे कि राजस्थान में इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए राजस्थान की जो PDF विज्ञप्ति आई थी तो उसमें तो इंसेंटिव की कोई बात नहीं थी, ओनली वो 25,000 सैलरी थी। बट अभी एक और आप PDF आया है, आप देख सकते हो 3-4 दिन 5 तारीख का, आप जानते हो एक PDF आपने देखा हुआ, नहीं देखा हुआ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, उसमें सीधा सीधा बताया कि इंसेंटिव की भी स्वीकृति मंजूर कर दी गई है। तो दोस्तों 25,000, जी हाँ दोस्तों 25,000 प्लस 15,000, तो बराबर आपको मिलने वाले 40,000, और यार एम्स लेवल की आपको सैलरी मिल रही है, राजस्थान CHO का पद मिल रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। इंसेंटिव आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ड्यूरिंग से ट्रेनिंग सैलरी आपको मिलने वाली है या नहीं, तो दोस्तों ड्यूरिंग ट्रेनिंग सैलरी तो अभी कोई इसमें नहीं बताई गई, और अभी जो NHM ने एप्लीकेशन लिखी है सभी गवर्नमेंट कॉलेजों को ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए CHO के लिए, तो उसमें बताया गया है कि उसमें उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, रहने खाने की सुविधाएं ही प्रदान की जाएगी, और साथ में उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तो आई थिंक यह हो सकता है कि 6 महीने तक आपको कोई सैलरी नहीं दी जाए, जी हाँ दोस्तों 6 महीने तक आपको कोई सैलरी नहीं दी जाए, आफ्टर 6 महीने आपकी 25,000 रुपये स्टार्ट की जाए, और प्लस इंसेंटिव 15,000 आपको अपनी आपकी बेसिस अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको दी जाए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई थिंक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, काफ़ी सूचना इससे मिली। बता देता हूँ आपको, NHM सेंटर पे ही आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, कुछ कॉलेजेस अगर अप्लाई कर देते हैं ट्रेनिंग देने के लिए अपने राजस्थान CHO कैंडिडेट्स को, तो आई थिंक उनको कुछ कॉलेज मिल सकते हैं, तो जो मेडिकल कॉलेज है और जो NHM सेंटर है तो उन पर ही आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। देखिए और मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी बिल्कुल, जो इसमें कुछ और बता देता हूँ सस्पेंडेड का, तो देखिए सस्पेंडेड का क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो सस्पेंडेड इसलिए हो रहा है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से, जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो सस्पेंडेड आपके किए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को जनरल में काउंट किया जाएगा, और काफ़ी लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है हाथवार सेंटर पे, आप जानते होंगे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करवाने जा रहे हो सेंटर पे, कुछ गलती होती है तो उनको 1 घंटे 15 मिनट आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है, उसी बीच उनको मांगे जा रहे हैं अपलोड के लिए, और वैसे कोई मतलब नहीं है आप डॉक्यूमेंट्स के, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो तो मतलब देख रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और आप जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जा रहे हो वो दोनों बिल्कुल मैच होने चाहिए, तो वो दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। छब्बीस सितंबर की तो बात यह है कि 26 सितंबर के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनके बाद के नहीं होने चाहिए, उनके बाद तो एफिडेविट लगा दीजिए उनके पहले के है, तो आप जानते ही हो 1 साल का ओबीसी का चल जाता है, 3 साल तक का, वो 1 साल से ओल्ड हो तो आपको जो है लगाना पड़ता है एफिडेविट,
आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपसे सब कुछ बात कर ली। अरे हाँ सॉरी, मैंने आपको बताना ही भूल गया डेट। ओके तो डेट कब है ये तो मैंने बताना भूल गया। फाइनल मेरी लिस्ट कब आ रही है आपकी? चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान सी एच ओ की फाइनल लिस्ट की मेरिट सॉरी फाइनल कट ऑफ की मेरिट लिस्ट आपकी कितनी तारीख तक आ जाएगी? तो आई थिंक 15 फरवरी के अराउंड आप मान सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी 10 तारीख तक तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। एक दिन आप इनके दिव्यांगों के विकलांगों के जो है डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है राजस्थान सी एच ओ में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। और अगर गलती होती है या कोई सस्पेंडेड हो रहा है मूल निवासी डॉक्यूमेंट, तो इनको सुधारने के लिए भी एक मीटिंग चल रही है, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 15 फरवरी आप अराउंड मान के चलिए, 15 से 20 फरवरी के बीच में आपकी जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो आप तैयार रहिएगा दोस्तों, मैंने बता दिया आपको डेट, ठीक है 15 फरवरी। और तो मैंने सभी कुछ जानकारी दे दी, अगर कुछ जानकारी मुझे मिलती है दोबारा तो मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ चलो विदा लेते हैं आपसे, और आपके सामने है सब कुछ सलेश नर्सिंग एकेडमी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और हर एक वैकेंसी की अपडेट मैं इसी चैनल पर देता हूँ, सॉल्यूशन इसी चैनल पर देता हूँ, न्यूज़ नर्सिंग की इसी चैनल पर देता हूँ, और नर्सिंग प्रोफेशन अपडेट हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। इसी के साथ आप हमारा ज्वाइन टेलीग्राम कर सकते हो, नेम है सलेश नर्सिंग एकेडमी। व्हाट्सएप ग्रुप आप कर सकते हो हमें आ रहा ज्वाइन, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप हमारे फ्रेंड बनना चाहते हो तो। इसी के साथ लेते हैं विदा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।